तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे कोड कंसेप्ट के ऊपर, कोड कैसे टाइप करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में समझाया था, अभी बता रहा हूं कि हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं मॉड्यूल में करते हैं, और सबसे पहले मैक्रो डिक्लेयर करेंगे। हमने बताया था लास्ट क्लास में आपको कि बेसिकली चार ऑब्जेक्ट होते हैं, पहला एप्लीकेशन, वर्कबुक, तीसरा शीट्स और चौथा रेंज। तो हम जो भी कोड लिखते हैं उसमें से मोस्टली कोड इन्हीं चारों में से कोई एक होता है। मतलब कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सेंटेंस आप लिखते हैं तो सेंटेंस क्या होता है, इन चारों में से एक होता है ना सर। इसलिए सेंटेंस में हमारा सबसे पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है, राइट सर? बिल्कुल सर, नाउन एंड प्रोनाउन होता है। उसी तरीके से जब भी हम कोई कोड लिखते हैं चारों में से एक होता है। अब वन बाय वन इसको समझेंगे, फिलहाल हम एप्लीकेशन को छोड़ते हैं, वर्कबुक को लेके चलते हैं। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं कोई मैक्रो बना के नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कौन सा कोड से क्या होता है। जैसे आपको नई फाइल ऐड करनी हो तो उसके लिए हम यहां लिखेंगे workbooks.add, ये आपका कंट्रोल एंड कर देगा, एक नई फाइल खोल देगा। लेकिन जो नई फाइल खुली है उसको सेव भी करना है, हालांकि सेव करने का कोड होता है workbooks, उसमें यहां पे हम लिखते हैं फाइल नेम कि book1.xlsx.saveas, और यहां पे जैसे आपको अगर मान लीजिए कि f ड्राइव में 2020 फोल्डर के अंदर दो चीजें है। पहली चीज कोड लिखने का तरीका, कोड लिखने का तरीका होता है दो चीज होती है, पहले होती है ऑब्जेक्ट और डिटेल, ऑब्जेक्ट और मेंबर, मतलब कि लोकेशन और एक्शन, कहां पे क्या करना है। ये होता है लोकेशन, लोकेशन का एड्रेस, और एक्शन, और एक्शन की डिटेल्स, या इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिटेल, मेंबर, मेंबर की डिटेल। तो डॉट सेग्रीगेट होता है, तो हमें जनरली आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि लोकेशन और एक्शन की कहां पे क्या करना है। तो वर्कबुक्स डॉट ऐड, हमने वर्कबुक्स के ब्रैकेट में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं डाला तो समझ गया कि न्यू ऑब्जेक्ट है, तो एक नई फाइल है आपको खोल के दे दे रहा है, ओके? लेकिन यहां पे हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर फाइल बुक वन को सेव करना है, तो हम यहां पे देना पड़ा कि बुक वन डॉट सेव है, तो यहां पे पार्ट। एक चीज तो समझ गए, ये समझ में आ गया सर आपको कि कोड कैसे लिखा जाता है जी? रवि जी समझ में आया आपको? हाँ जी सर बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गया सर। अब बात करते हैं रिलेटिविटी। अगर मान लीजिए मुझे इस कोड के बाद इसको रन करना है तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हर बार आपको बुक वन जो है वो आएगा इसकी गारंटी नहीं है, बुक टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, बुक फोर भी आ सकता है, ठीक है सर? हाँ जी। भी आ सकता है सर। तो क्या करें? तो उस केस में हम यहां जो है हमें पता है कि जो फाइल क्रिएट होती है, जैसे मान लीजिए हम यहां पे अगर कंट्रोल एन करके नई फाइल बनाया तो बुक वन हुआ ना सर, तो बुक वन ही एक्टिवेट है ना, तो यहां पे वर्कबुक को हम एक्टिव वर्कबुक से भी जानते हैं। तो यहां पे सब, यहां पे सब सिंपल से लिखेंगे @workbook.saveas, और यहां पे पास हो जाएगा। समझ
तो आपको दो चीजें देखनी पड़ती है, पहली तो चीज होती है आपकी कोड कंसकोड क्या है, दूसरी लिक्विडिटी की, जो कोड रन हो रहा है उस रन होते समय क्या सिचुएशन है, ये भी आपको देखना होता है जी। जैसे कि आपने यहां पर भी देखा है, दूसरी चीज है कि आपकी सिचुएशन हमें पहले से पता है, मतलब मुझे पहले से पता है कि हमें जो सेव करना है, हमें जो सेव करना है, जो फाइल क्रिएट करना है उसको सेव भी कर देना है, तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे वर्क बुक्स डॉट सेव एरो, माफ कीजिएगा, एड डॉट सेव एज, और फिर यहां पे पाथ विद फाइल एक्सटेंशन। अब यहां पे कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि एक काम के लिए जो एल्गोरिथम पढ़ा रहा था तो आपको हमने समझाया था कि एक काम के लिए सिर्फ एक माइक्रो एक लाइन लिखाता है जी, यहां पे तो हम एक के लिए दो माइक्रो लिख रहे हैं, दो के लिए एक लाइन लिख रहे हैं ना, सेव भी करा और ऐड भी करा, तो सम टाइम ऐसा चलता है, तो जैसे कि ऐड और सेव एक साथ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि इस लाइन का उपयोग हम तभी करेंगे जब हमें पता हो कि भाई मुझे फाइल को ऐड करके सेव भी करना है, नाम सब कुछ पता हो, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि नाम वगैरह कहीं और से कैलकुलेट होता है, जैसे कि आपने डेटा कॉपी फिल्टर किया और फिल्टर में जो कंडीशन लगाया वही नाम का फाइल बनेगा, तो उस केस में हमें इस मेथड यूज नहीं कर पाते, हमें ये मेथड ही यूज करना पड़ता। हेलो, हाँ जी सर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइल को सेव एज करने के बाद अगला ऑप्शन आता है फाइल को ओनली, मान लीजिए सिर्फ सेव करना। अब यहाँ पे मैं एक्टिव वर्क बुक लेता हूँ सिर्फ, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से ये मेथड एक्टिव वर्क बुक ले या फिर इस मेथड जो है इस मेथड को ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी ओर। एक्टिव वर्क बुक डॉट जस्ट सेव करना है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, हमेशा जब भी आप कोड लिखेंगे चाहे तो अपर केस में लिखेंगे या लोअर केस में लिखेंगे, आप कोड को कभी भी टाइटल केस में मत लिखिए, आप उसे टाइटल केस में ना लिखने के पीछे रीजन क्या है, ना लिखने के पीछे रीजन ये है क्योंकि जो टाइटल केस में यूज हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा कोड सही है या कौन सा कोड गड़बड़ है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्टिव वर्कबुक का ए बड़ा नहीं हुआ, मतलब कि ये जो है मिस्टेक है, और जैसे मैं नीचे करूंगा एक्टिव वर्क डबल डबल बी लगा हुआ जी, देखिए ये बड़ा हो गया जी। तो कभी भी कोड लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा कोड जो होगा वो आप स्मॉल लेटर लेटर में लिखे न कि कैपिटल लेटर में। जी सर बिल्कुल, हमेशा स्मॉल लेटर। सेव करने के बाद कंट्रोल एस कर देता है, मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन करना है, यहां लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट ओपन जी, इसमें पैथ भी देना पड़ेगा सर, आपको पाथ भी देना, ठीक है जी।
फाइल ओपन हुई है तो फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो फाइल यहाँ पे उसका बुक नेम लिखें, बुक वन टू थ्री जो भी आपका है एक्सटेंशन के साथ डॉट क्लोज। अब यहाँ क्लोज कर दो प्रॉब्लम होगी, जैसे अगर आपने फाइल में कुछ टाइप कर रखा है जैसे क्लोज करते समय आपसे बोलते हैं ना कि सेव दिस फाइल, ऐसा है ना सर? जी जी जी। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स लगाना पड़ेगा, सेव करना है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ठीक है जी, गॉट इट। एंड फॉल्स कर सकते फाइल हमने क्लोज भी कर दी, राइट जी। तो फाइल को ऐड करना सीखा, फाइल को सेव एज करना सीखा, फाइल को ओपन करना सीखा एंड फाइल को क्लोज करना सीखा। अब क्या है, मान लीजिए मुझे फाइल को डायरेक्ट एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना है, पता है जैसे मान लीजिए कि इस तरह से टाइप करके जाते हैं हम, एक फाइल से दूसरे फाइल पे कैसे जाएंगे, तो उसके लिए टाइप यहाँ लिखेंगे वर्क बुक्स फाइल नेम, जिस फाइल पे आपको जाना है जैसे बुक टू उसका एक्सटेंशन डॉट एक्टिवेट, उस पर्टिकुलर फाइल पे चला जाएगा। कभी कभी दिक्कत होता है तो उस केस में अगर कभी ये वर्क नहीं करता है और अलग अलग विंडोज होते हैं तो विंडोज और इसमें आप दीजिए अपना बुक वन टू थ्री जो है इसमें एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है बट इन्वर्टेड कॉमा में भी नाम रहेगा। जी जी जी। डॉट एक्टिवेट, ये जो विंडोज वाला पार्ट है कहाँ से वर्क करता है, ये आपके जो एक्सेल फाइल है एक्सेल फाइल के अंदर व्यू के अंदर स्विच विंडो इस पर ट्रिगर करता है। ओके जी जी। अब यहां पे हम देते हैं आल्सो कि वर्क बुक्स हमारे एक्टिव वर्कबुक कर दीजिए, यहां पे एक्टिव वर्कबुक कर देता हूं। एक एक्टिव वर्कबुक को मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। ओके वे ठीक है डॉट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट कर दीजिए तो प्रोटेक्ट होते ही आप यहाँ देखिएगा कि पासवर्ड डल जाता है, कौन सा पासवर्ड डाला इसने, तो इसने यहाँ रिव्यू के अंदर गया और रिव्यू के अंदर इसने प्रोटेक्ट वर्कबुक बट मैं चाहता हूँ ओपनिंग पासवर्ड डले तो उसके लिए लिखना पड़ेगा एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू, ये क्या करेगा, ये आपके फाइल के अंदर जाएगा इन्फो में जाएगा और यहाँ प्रोटेक्ट में एनक्रिप्ट विद पासवर्ड ये पासवर्ड डाल देगा। ओके सर बिल्कुल। अब क्वेश्चन आता है वापस कोड पे जाते हैं, अब कोड देखिए सर, कोड देखने से एक चीज यहाँ पता चलता है कि लास्ट लाइन के लास्ट जो लाइन है सो उससे ऊपर हमने कहीं भी इक्वल का यूज नहीं किया बट यहाँ हमने इक्वल यूज क्यों किया, देखिए हमने से बताया था कि ये आपका ऑब्जेक्ट है या आपका मेंबर है, तो मेंबर जो होता है दो तरह के होते हैं, पहला होता है मेथड दूसरा आता है प्रॉपर्टीज, तो मेथड हमेशा स्पेस लगता है और प्रॉपर्टीज में हमेशा इक्वल लगता है। आइडेंटिफाई कैसे होगा, दो तरीका है, जैसे अगर स्पेस मार्केशन आ जाता है इट मींस ये मेथड स्पेस लगेगा बट इसमें नहीं आता है तो इसमें इक्वल है। दूसरा सबसे कारगर तरीका है वो है कि लगाते सिमिलर से हमने प्रोटेक्ट किया तो यहाँ पे दिख रहा है प्रिंट आउट प्रिंट व्यू प्रोटेक्ट क्या है ग्रीन कलर के स्क्वायर में जी, तो ग्रीन स्क्वायर में है वो आपका मेथड है और जिसपे हैंड का निशान बना हुआ वो क्या है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी हमेशा इंफॉर्मेशन लेती और देती है, तो प्रॉपर्टी दो तरह के होता है, एक इंफॉर्मेशन लेता है इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि पासवर्ड इंफॉर्मेशन ले रहा है और जैसे मान लीजिए मैंने किया टी इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट फाइल फाइल नेम कर लीजिए फाइल फॉर्मेट कर लीजिए फाइल पाथ नेम कर लीजिए
ए आपका, तो जो नेम होगा ये पी के ऊपर रख देगा। अब यहाँ पे पी क्या है, पी एक वेरिएबल है, टेम्पररी सेविंग लोकेशन। जैसे मैथमेटिक्स में हम एक्स वाई जेड लेते हैं ना, जी जी, सेम थिंग यहाँ पे होता है। समझ गया सर, डीम एक्सपीरियंट। हेलो हेलो, हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, आगे बढ़िए सर। ये चीज समझ में आ गया आपको सर? तो और इसमें तो सर, इसमें तो और भी मेथड है, जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड वगैरह है, मान सेव एज करते समय मैं फाइल पासवर्ड डालना चाहता हूँ, तो देखिए अभी क्या है, फाइल नेम बोल्ड है ना सर, और मुझे पासवर्ड डालना, तो आप कॉमा करेंगे तो आपको फाइल फॉर्मेट बोल्ड हो जाएगा, कॉमा करेंगे तो आपका पासवर्ड, हम यहाँ पे पासवर्ड दे, ठीक है? ऐसी फाइल ओपन करते समय भी आपका सेम। इसमें देखिए ऊपर जो मैंने आपने देखा सब, मैं अगर सिर्फ सेव एज करके भी छोड़ दूं तो वो बुक वन बुक टू बुक थ्री ऐसे फॉर्मेट डिफॉल्ट फाइल और डिफॉल्ट फोल्डर में सेव कर देगा। मतलब ये फाइल नेम देना जरूरी नहीं है। कैसे पता चला? आप जब इसको एक स्पेस मारते हैं, जितने भी सेंटेक्स आते हैं वो सारे स्क्वायर ब्रैकेट में है ना सर? जी जी, हम लोग अपने आम बोलता की भाषा में बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं। तो जो बड़ी ब्रैकेट में है इसका मतलब है कि ऑप्शनल है, रिक्वायर नहीं है। वर्कबुक ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए क्या है, फाइल फॉर्मेट एज स्ट्रिंग, ये नॉर्मल है, ब्रैकेट में नहीं है, मतलब कि हमें इस पे ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है? उसके अलावा मुझे मान लीजिए पासवर्ड डालना है तो मैं कॉमा कॉमा करके बाकी ऑप्शन को स्किप कर सकता, तो बाकी जो इसके ऑप्शन है आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जो है आप जैसे देख रहे हैं कि हमने अभी आपको बेसिक चीजें बताई, जो कि बेसिक एक्सेल शुरुआत में करते हैं कि हम कैसे नई फाइल को क्रिएट करेंगे, हम कैसे फाइल को सेव करेंगे, सेव एज करेंगे, हम कैसे फाइल को ओपन करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, कैसे एक फाइल दूसरे फाइल पर जाएंगे, फाइल को प्रोटेक्ट करेंगे या पासवर्ड डालेंगे या फिर फाइल की इंफॉर्मेशन लेंगे, इसके बाद फाइल फॉर्मेट वगैरह वगैरह। जी जी, आ गया सर आपको? जी सर। अब देखिए अभी सारे कोड को रन नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको रन करना है तो 1/1 माइक्रो में एक लाइन रन कीजिए, रन हो जाए। जी जी जी, मैं एक लाइन को एक माइक्रो में रख के रन करना है तो, और रन हो जाए तो उसमें और छोटी मोटी चेंजिंग अपने तरफ से करना है, ठीक है? जी समझ गया सर। इसमें कल हम बात करेंगे सीड्स के बारे में, जी ठीक है? उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे क्योंकि आज जो है दो लोग आए नहीं है क्योंकि मुंबई जो है आज है ब्लैकआउट था सुबह से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसलिए जो है कल से स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट।